इस वक्त हम बीजेपी भवन में हैं, जहां पर आज कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। तो हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं श्री विशाल जोशी, तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मनाता है, विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न तरीका से शोषित पीड़ित समाज का सेवा के लिए कार्य करता है। और उसी संदर्भ में आज युवा मोर्चा उनके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उदय जी और गौरव भाई का नेतृत्व में कार्यक्रम कर रहा है। हम सभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बाकी ऑफिस बेयरर्स भी हैं, सभी उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आज का ये ब्लड डोनेशन सफल हो और भी बड़ी संख्या में युवा ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं। उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। आज हमारे साथ है अजय बैरागी जी, तो आइए पूछते हैं उनसे, बात करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिमेम्बरेंस डे के उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अंडमान निकोबार इकाई पार्टी कार्यालय में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है। आप सभी देख रहे हैं काफ़ी संख्या में दीपों के युवा भाई आज ब्लड डोनेट यहाँ पर कर रहे हैं। खास करके इस अभियान में हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एनके उदय कुमार जी और युवा मोर्चा के कर्मठ महामंत्री गौरव गोगिया भाई, गौरव भाई बहुत ही अच्छी तरीका से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज पार्टी कार्यालय में किया है। उनका साथ में पूरा युवा मोर्चा का टोली मेहनत कर रहा है, सिटी के वोगेश भाई और भी सभी लोग, पलराज जी, और आप लोग देख रहे हैं आज इस शुभ मुहूर्त में हमारे बीच में हमारे पार्टी के जनक तीन बार के सांसद विष्णु जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष शिला सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है, नेशनल काउंसिल मेंबर पार्टी के और कोर कमेटी के सदस्य एल मूर्ति जी यहाँ पर है, और हमारे साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सन्ना राव जी। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम, मैं हृदय से हमारे कर्मठ युवा मोर्चाओं का सभी मित्रों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि हर साल के तरह इस बार भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिमेम्बर्स डे जो वीक के साप्ताहिक सेवा का जो काम, अलग अलग काम चल रहा है, उसमें से एक है ब्लड डोनेशन। आज सवेरे से काफ़ी संख्या में दीपों के युवा भाई यहाँ पर आके जो ब्लड डोनेशन, हम लोग जानते हैं रक्त दे देना, रक्तदान करना और एक जीवन दान करना समान होता है, तो ये महान काम में जो युवा भाई लोग और जो लोग आज भागीदारी दिया और जो लोग योगदान करके इसको सफल बनाया, मैं सभी को एक बार धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। जैसा कि आपने भी सुना कि हमारे अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो पुण्यतिथि है 23 जून से लेकर उनकी जन्मतिथि 6 जुलाई तक ये मनाई जाती है। इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, आयोजित पूरे देश में, और इसी सिलसिले में हमारे इन आइलैंड्स में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और आज जो ये रक्तदान शिविर लगाया गया है पार्टी कार्यालय में, हाँ, आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे वर्ष भर बहुत सारे कार्यक्रमों का हमारे यहाँ आयोजन होता रहता है, और उसमें से मुख्य जो कार्यक्रम है एक रक्तदान का, जो माननीय हमारे जो स्वर्गीय वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भी बहुत सालों से हम ये कार्यक्रम रक्तदान का चलाते आ रहे हैं। और रक्तदान महादान कहा जाता है। खासकर हमने ये देखा है कि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने युवाओं को
महिलाओं को जोड़कर हम रक्तदान करवाएं, क्योंकि आइलैंड्स में ज़्यादा ये समस्या होती है कि वहाँ जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो यहाँ ब्लड बैंक है, यहाँ पे फिर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ बहुत कभी कभी ये परेशानी होती है और बाकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी ना होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम ये काम, रक्तदान का जो काम है वो करवाएं। नमस्कार, मेरा नाम रामदास, स्टेट जनरल सेक्रेटरी भाजपा। सब कुछ तो सब कोई बोल दिए, मुझे यही कहना था रक्तदान जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा की ओर से, जो हमारा युवा मोर्चा अध्यक्ष एन के उदय कुमार जी और गौरव गोगिया के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर चल रहा है। पूरा 2 साल से अंडमान निकोबार में रक्तदान जो शिविर है कहीं नहीं लगा, क्योंकि कोरोना का कारण सब जो है आके जीपी पंत हॉस्पिटल में देते हैं तो बहुत कम संख्या में होता है। आज हमारा गौरव गोगिया के नेतृत्व में पार्टी ऑफिस में जो रक्तदान हो रहा है, ये हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हेडोलॉजी है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर है। दान करना, पुण्य करना, सेवा करना। जैसे कि आप सबको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो रिमेम्बरेंस वीक चल रहा है उसी के तहत ये ब्लड डोनेशन कैंप आज पार्टी ऑफिस में रखा गया है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि रक्तदान जो है दुनिया में सबसे बड़ा दान माना जाता है, और मैं तहे दिल से उन सभी युवाओं का, उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज हमारे पार्टी ऑफिस में आए और जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तहे दिल से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मेरा नाम सोमेश है, काउंसलर हेड ऑफ। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, ब्लड देना चाहिए, सबको देना चाहिए। आपका ब्लड अगर आप नहीं देगा तो आपका ब्लड मोटा हो जाता, गाढ़ा हो जाता, गाढ़ा होने की वजह से आपको बीपी बढ़ेगा। अगर ब्लड देते रहेगा, फिल्टर होते रहेगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। और अभी जो आज डोनेशन हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा युवा मोर्चा की तरफ से, ये सबको करना चाहिए। आज यहाँ नहीं दे पाए तो छूटना नहीं, मेडिकल भी जाके दे सकते हैं, देना चाहिए, क्योंकि अभी डेंगू चल रहा है तो प्लेटलेट्स का बहुत ज़रूरत है। इसलिए जितना हो सके हम सारा युवा से रिक्वेस्ट करता है, जितना हो सकता है ब्लड डोनेट करिए, और आपको फ्रेश ब्लड 24 आवर्स में फिर चढ़ जाएगा। हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं आप लोग, ये सब जानते नहीं है। कोई बोलता हम कमज़ोर है, पतला है, ये है वो, ऐसा नहीं होता। ब्लड का जो हीमोग्लोबिन वो सब देखना पड़ता है, लोग मेडिकल जाने से लोग चेक करके बता देगा आपका ब्लड है कि कम है ज़्यादा है। तो ब्लड सबको रहता है और जो कमज़ोर आदमी वो भी दे सकता है। 3 महीने में एक बार देने से बहुत अच्छा है, बीपी वगैरह नहीं आएगा। और ख़ास करके अभी डेंगू चल रहा है, इसलिए सारा युवा से रिक्वेस्ट करता है कि ब्लड प्लेट्स का बहुत ज़रूरत है, इसलिए सब कोशिश करें ब्लड डोनेट करने के लिए।